अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रश्मिका किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी एकदम सिंपल तरीके से और एकदम झटपट से और एकदम आसान तरीके से चना दाल की पुलाव रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस रेसिपी को। सबसे पहले मैंने गैस पर एक कुकर में 4 बड़े चम्मच राइस ब्रैन ऑयल को डालकर बिठा दिया था और अभी अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका है। तो अभी मैं ऑयल में प्याज को डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के प्याज को अच्छे से वॉश करके बारीक चॉप कर लिया है और अभी मैं इनको कुकर में डालकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर करके और क्रिस्पी करके फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम को हाई फ्लेम पर ही गैस रखा है और हाई फ्लेम गैस पर ही मैं अच्छे से क्रिस्पी करके प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर करके फ्राई कर लूँगी। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर प्याज को फ्राई करने के बाद आधा प्याज को मैं निकाल लूँगी लास्ट में पुलाव को गार्निश करने के लिए और आधा प्याज से ही मैं पुलाव को बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप पहले भी प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर करके क्रिस्पी करके फ्राई करके रख सकते हैं और अगर आपने पहले करके नहीं रखा है तो आप जब पुलाव बनाएंगे उस टाइम पे आप प्याज को थोड़ा ज़्यादा करके बारीक करके काट लीजिएगा और उसके बाद प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर करके फ्राई करके क्रिस्पी करके इनको आधा निकाल लीजिएगा गार्निश करने के लिए लास्ट में पुलाव को, और आधा प्याज से आप पुलाव को बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जो प्याज को फ्राई किया है वो लगभग गोल्डन ब्राउन कलर करके और क्रिस्पी होकर फ्राई हो चुका है, लेकिन मैं अभी निकाल लूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी और थोड़ा क्रिस्पी और कलर थोड़ा डार्क होता है, तो इसलिए मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है और अभी मैं इसमें खड़े मसाले को डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 10 काली मिर्ची को लिया है, 5 लौंग को लिया है, 1 चम्मच जीरा को लिया है, 2 तेज़पत्ता को तोड़ कर लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 स्टार लिया है, 1 जावित्री फूल लिया है, 3 इलायची लिया है और 4 दालचीनी के टुकड़े को लिया है और अभी मैं इन सबको कुकर में डालकर अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करके थोड़ा फ्राई कर लूँगी। और फ्रेंड्स, अभी मैं गैस का फ्लेम को लो मीडियम फ्लेम कर दूंगी और लो मीडियम फ्लेम पर ही मैं खड़े मसाले को थोड़ा भून लूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच अदरक और लहसुन के पेस्ट को डाल दूंगी और इनको भी अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर चम्मच से चलाकर भून लूंगी। तो अभी मैंने इनको कुछ देर चम्मच से चलाकर भून लिया है और अभी मैं इनमें मसाला पाउडर को डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मिर्ची का पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच बिरयानी मसाला लिया है, 1 चम्मच जीरा और धनिया का पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है और 1 चम्मच नमक लिया है। तो मैं इन सबको कुकर में डालकर अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करके और थोड़ा भून लूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं लो मीडियम फ्लेम गैस पर इनको अच्छे से भून लूँगी और इनको अच्छे से भूनूँगी क्योंकि फ्रेंड्स, जितना अच्छे से हम मसाले को भूनेंगे उतना ही हमारा टेस्टी बनकर रेडी होगा पुलाव। तो अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 1 बाउल चना दाल को मैंने 2 घंटा पहले पानी में भिगो के रखा था, वो अभी अच्छे से ये फूल गए हैं, तो अभी मैं इनको कुकर में डाल दूँगी और डालकर अच्छे से मिक्स करके इनको अभी थोड़ा भून लूँगी चम्मच से चला के। तो अभी मैंने इनको भी थोड़ा भून लिया है और यहाँ पर मैं 1 बाउल पानी को डाल दूँगी और उसके बाद फिर से मैं इनको अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा पका लूँगी। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी। अभी फिर से मैं और 1 बाउल पानी को डाल दूंगी और उसके बाद मैं फिर से और 1 बाउल पानी को डाल दूंगी और ऐसे करके मैं पूरा 4 कटोरी मैंने पानी डाला है और पानी डालकर मैं अच्छे से इनको थोड़ा मिक्स कर लूंगी और उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा कर इनको 4 सीटी आने तक चने दाल को अच्छे से पका लूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी 4 सीटी आ गया है और मैंने कुकर को गैस ऑफ करके रख दिया था, तो अभी ये ठंडा भी हो गया, तो मैं अभी ढक्कन खोल के इसको चेक कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चना अच्छे से कैसे हो गया है। अभी मैं आपको हाथ से इसको मसल के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं, हाथ से मैंने जब उंगली से इसको मसला तो ये अच्छे से मसल गया, तो इसका मतलब ये चना को जितना होना है उतना हो गया है। तो अभी मैं इसमें चावल को डाल दूँगी और यहाँ पर मैंने जो लोकल राइस होता है यहाँ पर हमारा पुलाव बनाने का, उसी राइस को मैंने यूज़ किया है। इसका नाम मतलब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इसका नाम है और अमेजन से भी आप इसको ख़रीद सकते हैं, जौहर राइस बोलते हैं इसको। तो अभी मैं इनको यहाँ पर मैंने 4 बड़े कप का चावल लिया था, इनको अच्छे से मैंने वॉश करके 1/2 घंटा पानी में भिगो के रखा था और अभी मैं इनको सबको कुकर में डाल दूंगी और डालकर अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लूंगी इनको चलाकर।
तो अभी मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर से मैं ढक्कन लगाकर 2 सीटी आने तक एकदम लो मीडियम फ्लेम पर इसको गैस पर बिठा के रख दूंगी। तो फ्रेंड्स अभी 2 सीटी आ गया है और अभी मैं इसका ढक्कन खोलकर पुलाव को चेक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं चम्मच से थोड़ा चला कर दिखाऊँगी फ्रेंड्स, और आप देख सकते कितना अच्छा कलर आया है। और अभी मैं आपको उंगली से दबा के दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं उंगली से मैंने जब दबाया तो ये एकदम मैश हो गया है। तो इसका मतलब चावल अच्छे से पक चुका है फ्रेंड्स। और अभी मैं गैस ऑफ करके इसको गैस से उतार लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्लेट ले लिया है और मैंने पुलाव को भी गैस से उतार लिया है। तो अभी मैं चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके प्लेट में सारे पुलाव को निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स आपको जब भी झटपट से और बहुत ही टेस्टी और एकदम सिंपल तरीके से चना दाल पुलाव की रेसिपी को खाना है तो आप इस तरह से ज़रूर घर पर बनाकर झटपट से और बिल्कुल भी झंझट नहीं है इसको बनाने में और जल्दी से बन जाता है और एकदम कम इंग्रेडिएंट से बनता है, तो आप इसको बनाकर ज़रूर खा सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स बनके तैयार है बहुत ही टेस्टी और एकदम सिंपल तरीके से, कोई झंझट नहीं, कोई झमेला नहीं और एकदम कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला चना दाल की पुलाव रेसिपी। और जिसको आप मतलब सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कभी भी अगर आपका मन करे तो आप फटाफट से इसको बनाकर खा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को आज का मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपीज़ का वीडियो को अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर से कोई नई रेसिपी का वीडियो को लेकर आऊँगी और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा।